नमस्कार दोस्तों नेशनल दस्तक पर आपका स्वागत है आज सत्रह जनवरी है और आज ही के दिन रोहित बेमूला की शहादत हुई थी और पूरे देश में उसको लेकर लोग रोहित बेमूला को याद कर रहे हैं खासकर सोशल मीडिया पर लोग बहुत नाराज हैं उदास हैं कि आज भी रोहित बेमूला को न्याय नहीं मिला बंडारू दत्तात्रेय मंत्रालय में बने हुए हैं स्मृति रानी मंत्रालय में बने हुए हैं और लोग उस जख्म को भूले नहीं हैं आज ज... पूरे देश में लोग उनकी शोक सभा मना रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जे हो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो तो रोहित बेमूला की जो शहादत है रोहित बेमूला का जो त्याग है जिस तरह से उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा और वो तस्वीरें आज भी सबके जेहन में कौंध रही है और हजारों लाखों लोगों ने करोड़ों लोगों ने आज भी सोशल मीडिया पर अपना फेसबुक पेज है या ट्विटर है उस पर उनको जगह दी है राजनीति में उनकी बातें होने लगी है रोहित बेमूला की माँ आज हैदराबाद में है वहाँ से तस्वीरें आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरा देश उनको नम आँखों से याद कर रहा है ख़ासकर युवाओं युवा याद कर रहे हैं और सोचिए कि आज जो मोदी के ख़िलाफ़ जो लोग बोल रहे हैं रोहित बेमूला को उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी और वो पहले शख्स थे जिनको शहादत देनी पड़ी उसके बाद जे में मामला लोगों ने भटकाने की कोशिश की आज सत्रह जनवरी है ये सरकार फिर उस मामले को भटकाने के लिए जे मामले में एफ और चार्जशीट दायर कर रही है लेकिन बहुजन समाज के लोग नम आँखों से याद कर रहे हैं उन्हें डॉक्टर रोहित बेमुला नेशनल दस्तकी पूरी टीम की तरफ से आपको शहादत है आपके शहादत को सलाम है हम लोग आपको याद कर रहे हैं तो ये स्थिति है कि रोहित बेमुला को लेकर लोगों में गुस्सा भी है उनके इंतज़ार है और समझ लीजिए कि वो दोनों मंत्री जो उसमें शामिल थे उस समय की एच मिनिस्टर जो अब दूसरे विभाग के मंत्री हैं और बंडारू दत्तात्रेय और ए के लोग किसी को कोई सज़ा नहीं मिली सब खुलेआम घूम रहे हैं और रोहित बेमुला को अपनी जान गंवानी पड़ी दूसरी बड़ी खबर है आरक्षण से ही जुड़ी हुई है कि उन्नीस जनवरी को पूरे देश में आ, लोग जो हैं वो विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली में सूरज मंडल दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं बीपी मंडल साहब के पोते हैं प्रोफेसर रतन लाल बामन मेश्राम और ऐसे न जाने तमाम लोग जो हैं वो बैठे हैं उस जय जा, अनिल जय हिंद हैं तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं खासकर ओ के लोग हैं उन्होंने तय किया है कि उन्नीस जनवरी को हमें कॉल दे रहे हैं और वो उसकी परतियाँ जलाएंगे विरोध करेंगे जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया है उनका विरोध है कि जिस तरह से आनंद फानंद में दो दिन में सिलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा गया कोई आंकड़ा नहीं है कि कौन गरीब है कितना गरीब है और जिस तरह से आठ लाख और पाँच हेक्टेयर जमीन की सीमा है उन लोगों को लगता है कि संविधान बदलने की साजिश है उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है इंडियन एक्सप्रेस ने खबर बताई है और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं आएंगी देखिए कि जिस आज तक में अंजना जो कि पेशवा ब्राह्मण हैं महिला हैं उन्होंने जिस तरह से कहा कि अखिलेश मायावती और तेजस्वी यूपी बिहार लूटने के लिए एकजुट हुए हैं उसी चैनल में बहुजन समाज के पत्रकार हैं नवीन कुमार उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के खबर को कोट करते हुए और शानदार स्टोरी की है और एक यादव जी पत्रकार है मतलब ओबीसी पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस में जिन्होंने एक खबर लगाई है बहुत ही बड़ी खबर है उस पर सरकारें हिलनी चाहिए सरकारें गिरनी चाहिए थी और इस देश के पूरे एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के लोगों को समझना चाहिए था कितनी बेईमानी हुई है आज तक बाबा साहब के संविधान को किस तरह से नकारा गया है और आज भी कितनी बुरी स्थिति है वो मैं आंकड़ा आपको दिखा देना चाहूँगा कि किस तरह के आंकड़े हैं डराने वाले आंकड़े ये देखिए कल जो सत्रह तारीख के जो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है उसमें कोटा कैंडिडेट्स आर अंडर रिप्रेजेंटेड जो देखिए कि इसमें लिखा हुआ है इस देश इन एस सी एस टी टू इन द नंबर्स ग्यारह सौ पच्चीस प्रोफेसर हैं इस देश में जिसमें सिर्फ उनचालीस मतलब तीन परसेंट जो है वो एस सी हैं और जीरो पॉइंट सेवन परसेंट एस टी मतलब आठ प्रोफेसर जो हैं वो एस टी हैं ओ बी सी के एक भी प्रोफेसर नहीं है ये आंकड़ा है ए, 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 राइट टू इन्फॉर्मेशन से मिला है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ छब्बीस सौ बीस एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिसमें सिर्फ एक सौ तीस जो हैं वो एस हैं तो ये पूरा जो आंकड़ा है वो आरटीआई से उन्होंने निकाला है और डराने वाले आंकड़े हैं ओबीसी की भागीदारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिल्कुल नहीं है ये आंकड़े जो हैं ये फ्रॉम गोल्फ डिपार्टमेंट्स टू रैलीज एच नीति आयोग कोटा रिप्रेजेंटेड हैं ये जो कल खबर छपी थी उसमें 2620 जो एसोसिएट प्रोफेसर उसमें 130 एससी हैं और 34 एसटी ट्राइबल हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें 8000 के करीब प्रोफेसर हैं जिसमें सिर्फ 931 जो है वो प्रोफेसर जो हैं वो एससी हैं और सिर्फ 423 एसटी हैं इसमें भी ओबीसी के जो हैं वो ग्यारह सौ तैंतीस हैं मात्र तो ये स्थिति है उसी तरह से रेलवे में जो हैं वो अस्सी परसेंट के करीब सवर्ण हैं एक उसके बाद एच मिनिस्टर में वो बासठ परसेंट हैं कैबिनेट सेक्रेटरी में छियासठ परसेंट हैं उसके बाद नीति आयोग में अस्सी परसेंट हैं वाइस पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के यहाँ भी वो आ, मतलब सन्तानवे परसेंट हैं तिहत्तर परसेंट हैं सी में वो छियासठ परसेंट हैं यू में अड़सठ परसेंट है वाइस प्रेसिडेंट से तो मतलब समझिए कि अस्सी परसेंट नब्बे परसेंट जो कि पचास परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल को अगर बेईमानी हो तब उसके बाद भी उससे ज़्यादा अस्सी परसेंट नब्बे परसेंट सवर्ण कर्मचारी हैं और एस सी के लोग जो हैं वो गायब हैं पूरे खेल से और ये सिर्फ़ ये हर जगह है उससे भी ज़्यादा भयानक और चिंताजनक है कि जो नौकरी देने वाले पोस्ट हैं जो जो इंटरव्यू लिया जाता है वहाँ जो साहब लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब सवर्ण हैं और इसीलिए सारा भेदभाव होता है राजेंद्र प्रसाद सिंह लिखते हैं कि अंग्रेज़ों ने इंटरव्यू बनाया था सौ नंबर का कि भारतीयों को न रखा जाए ये भारतीय लोगों ने क्यों इंटरव्यू रखा हुआ है क्या एस सी एस को ना रखा जाए तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये ये आर से जानकारी है कि ओवर रिप्रेजेंटेड है मतलब सवर्ण समाज जो है वो ज़्यादा संख्या में सारे विभागों में इस देश का इसमें नई क्या बात है हम सब जानते हैं लेकिन ये आँख खोलने वाली है खासकर ओ की भागीदारी जो है वो नील है जीरो बटर सन्नाटा है ओ बी थोड़ा सा है एस थोड़ा सा उनका कोटा पूरा नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही डराने वाली खबर है उसके बाद भी पूरे देश में लोगों में गुस्सा है और उनको लगता है कि इस देश में उनको दूसरे दर्जे का नागरिक बताया जा रहा है और इसी को लेकर 19 जनवरी को इसी 19 जनवरी को लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर उतरेंगे और लगातार वो उनकी कोशिश है कि जो सवर्णों को आरक्षण है इससे आरक्षण का मसला नहीं है जिस तरह से संविधान में छेड़छाड़ हुई है हो सकता है कि संविधान को बदल दिया जाए तो इसको लेकर लोग प्रोटेस्ट मार्च कर रहे हैं लोगों ने बैठक की है और जिस तरह से ये पूरा आंकड़ा है आज तक के चैनल पर नवीन कुमार ने इस खबर को दिखाने की हिम्मत की है क्योंकि वो बहुजन समाज से आते हैं इसलिए मैं कहता हूँ अगर डाइवर्सिटी होती मीडिया में तो सारे लोग होते इसलिए एस सी एस माइनॉरिटी के नेताओं को अपना चैनल भी खोलना चाहिए और एस सी एस माइनॉरिटी के पत्रकार भी जब तक नहीं आएंगे आपके सरोकार की बातें कोई नहीं करने वाला है वो तमाम तरह के चीज़ों में आपको फंसा के रखेगा रोजी रोटी के सवाल पर बात नहीं करेगा इस सवाल ने नौकरी कितनी दी एस सी एस टी ओ बी सी के लोग कितने परसेंट नौकरी में हैं सोचिए सवर्णों का आरक्षण प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में तो लागू होगा Uh, सरकारी में तो लागू इंप्लीमेंट करने की होर मची है प्राइवेट में भी इसको लागू किया जाएगा लेकिन लोग अपने नेताओं से भी नाराज़ हैं लेकिन वो जान रहे हैं कि जिस तरह से एस कांग्रेस बीजेपी आरक्षण को लेकर राजनीति कर रही है उसी तरह से बहुजन नेता भी अब राजनीति करने लगे हैं लेकिन जनता जो है जिस तरह से सवर्ण जनता नाराज रहती है आरक्षण से उसी तरह से सवर्ण आरक्षण से बहुजन जनता जो है वो नाराज़ है नेता जिस तरह से सवर्ण नेता भी आरक्षण के खिलाफ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए बहुजन नेता भी स्वर्ण आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनको एक बात फर्क समझ लेना चाहिए कि एस सी एस टी माइनॉरिटी के लोग सवर्णों की पार्टी को वोट देते हैं कांग्रेस को देते हैं बीजेपी को देते हैं लेकिन सवर्ण जो है आज के डेट में वो जब सवर्णों की दूसरी पार्टियों को वोट नहीं देता है तो लालू यादव मायावती और अखिलेश यादव को खाक वोट देगा जे को खाक वोट देगा वो सवरणों की पार्टी में सिर्फ बीजेपी को वोट करता है और इसी का नतीजा है ये सारे बदलाव तो ये रिपोर्ट दिखा रहा था और उन्नीस को मैसिव बंद है देश भर में लोग प्रोटेस्ट करेंगे बीपी मंडल साहब के पोते हैं सूरज मंडल उन्होंने इसको प्रोटेस्ट कॉल किया है और तमाम जो प्रोग्रेसिव लोग हैं एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटी के उन्होंने फैसला किया है और ओबीसी की भागीदारी इसमें देखने वाली होगी जिस तरह से तेजस्वी ने स्टैंड लिया है तो पूरे देश में 19 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया भारत बंद नहीं है आगे कई चरणों में इस आंदोलन को बढ़ाएंगे फिलहाल उनकी कोशिश है कि पहले प्रोटेस्ट कॉल किया जाए लोगों में इस बात को जागरूक जागरूक किया जाए तो ये बड़ी खबरें थी कुछ आपकी आज की जो मैं आपको बता रहा था और अमित शाह को स्वाइन फ्लू या ये पूरा चैनल चलाएगा मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस कैसे एक दूसरे को ये लोग इनका चचेरा मौसेरा भाई है इनका चलता रहता है ये सब खबरें बहुजन समाज के खबरें लिहाज नहीं है बहुजन समाज के लिए सबसे ज्यादा बड़ी खबरें यह है कि ओ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो पूरे देश में अभी भी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी मतलब पत्थर टारने वाली जो नौकरी है उसमें भी सात परसेंट से ज्यादा नहीं है पत्थर टारना मतलब समझ रहे हैं गैंगमैन एस सी एस टी माइनॉरिटी के बच्चे जिनकी जिनको वहीं तक सीमित कर दिया जा रहा है उसमें भी सात परसेंट है जबकि उनको सत्ताईस परसेंट आरक्षण मिला है मैं नहीं कह रहा हूँ साहब ये डेटा कह रहा है तो आगे आप लोग समझदार हैं देखिए कि आप लोग की रोजी रोटी की समस्या कैसे हल होगी भागीदारी कैसे तय होगी बाकी राजनीति जब तक आप लोग राजनीतिक रूप से सचेत नहीं होंगे आपकी सत्ता नहीं आएगी तब तक तो यही स्थिति बनी रहेगी शुक्रिया आप सब लोगों का नेशनल दस्तक देखने के लिए शंभ कुमार सिंह नेशनल दस्तक दिल्ली नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं फिर बेलाइकन की घंटी दबाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें